गाइस, ऐसे ही अक्सर बाबर के साथ हमारा चक्का के लिए बहुत सारा झगड़ा होता रहता है। जो चक्का है छोटा रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए, आप लोग दिखा रहे कितना बड़ा। गाइस एंड गाइस, इसको देखिए। क्या बताइए, इतना बड़ा गाड़ी का चक्का खोलने के लिए मशीन तो चाहिए ना? ये वाला गाड़ी, इसी से इस गाड़ी का टायर खोलता है। देखिए कितना बड़ा गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा स्कैनर ब्लॉग वाला। तो चलिए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अपने चंटरों के साथ निकल चुके हैं बस में। ये रहा हमारा ग्रुप, ये रहा बाला। कुछ बोलना है बाला तुमको? हाँ बोलो। तो बाबू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग पहाड़ पर जा रहे हैं। पहाड़ पर जा रहे हो? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग पहाड़ पर। बाल ड्राइवर गाइस लिटरली बहुत भयानक चला रहा है, गाड़ा डिफाइन कर दे रहा है, ऐसे चला रहा है कि क्या बताए। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? पहाड़ पर जा रहे हो? क्या कर रहे हो? घूमने जा रहे हो? अच्छा ठीक है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का बस जो है रुक चुका है। उसका कारण है कि कोई शायद आगे से ठुसकी मार दिया है, इसीलिए बस रुक गया है। तो पता नहीं, गंद जब तक ना जाए तो बस तो बढ़ेगा नहीं। ये जो सायरन बज रहा है ना गाइस, ये कंपनी सायरन है। तो देवासी इसीलिए हंस रहा है कि कोई ठुसकी मार रहा है कि लफिंग गैस की तरह काम कर रहा है। किसको किसको? हाँ बैठो 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 बैठो, सही बोला। किसको घुसना है? पीछे जाओ। पर जबरदस्त खचा खाद भीड़ में गाइस हम लोग आ गए हैं अभी माइंस के ऊपर। यहाँ पर हम लोग भेंट हो गया है नंदो भाई से, जगन्नाथ गोसा। तो गाइस महेश आने का सबसे बड़ा मतलब है आप लोग कुछ खास चीज दिखाने का। तो हमारे प्यारे गाइस एंड गाइस नहीं हो बहुत, मैंने 2020 में बहुत ही बड़ा है। कोरोना खत्म होने के बाद ये पहली बार है जो कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ा का है महेश में, बहुत पहले ही इसे होता था। हमें स्पेशली ट्रीटमेंट देने के लिए जो है हमारे नंदू भाई यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे लिए सेव बूंदिया भी रखे हुए हैं बगल में। गाइस हमारे जो नंदू भाई है यहीं पर काम करते हैं। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो है हैमरिंग मशीन है। गाइस आप लोगों से हमने एक बड़ा गाड़ी का रिव्यू करूंगा अभी। इस
गाड़ी का काम है जो बड़ा बड़ा टायर वगैरह है उसको खोलना है। इसको तो आदमी नहीं खोल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, न खिसका सकते हैं, इसलिए इस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस गाड़ी का मेन काम है टायर खोलना। गाय चढ़ गई हो इसको देखिए। तो बताइए इतना बड़ा गाड़ी का चक्का खोलने के लिए मशीन तो चाहिए ना। गाइस एंड गाइस नहीं हो, अगर आप लोगों को गम बांटना है तो आप लोग टायर में भी लेदर के गाना गांव पर गम बांट सकते हैं। आप लोग टायर में लेदर के भी गम बांट सकते हैं। ये देखिए जो हाइड्रा वाला गाड़ी है बुकलेन। गाइस एंड गाइस नहीं हो, जबरदस्त कमेंट्री हो रहा है। कैरी मिनाटी का भी कैरी मिनाटी हो गया है अभी। किसी को बचने कोई सीन नहीं है। वाटर डिपार्टमेंट हर जगह नागपुरी गाने का। वाटर फिल्टरिंग सिस्टम यहाँ पर एक दोस्त है जिसका नाम है डुका, जो कि हम लोगों के साथ काम किया हुआ है। गाइस जो डुका नाम का लड़का है, डुका शेयर मार्केट में 35 लाख रुपए फंसाया है जिसका पैसा पूरा डूब चुका है। और जो है अभी माइंस में घूम रहा है कि हमारे इधर के इतने गाछ पेड़ पौधे जो भी हैं, इन सब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे देख रहे हैं, इन सब से बनता है झाड़ू। जो घर हम लोग झाड़ू मारते हैं ना, फूल झाड़ू, बढ़ू क्या बोलते हैं हम लोग। बड़े बड़े मशीन गाड़ी जो है अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी उसको देखेंगे थोड़ा। करते हैं कुछ स्कैन करते हैं, नाम है स्कैनर ब्लॉक, तो चलिए कुछ ना कुछ स्कैन करते हैं। देखिए गाइस ये है पानी टैंकर, जो कि गर्मी के सीजन में और ठंडा के सीजन में रास्ता को पानी फ्लोर करने में काम आता है। देखिए गाइस ये वाला जो व्यू है आगे में दिख रहा है आप लोगों को, इस जगह का नाम है रानी चूहा। क्या नाम है बेटा? रानी नानी रानी चूहा। इधर का व्यू देखिए कितना नीट एंड क्लीन व्यू है। बड़ा बड़ा गाड़ी उधर, दो बड़ा बड़ा गाड़ी खड़ा हुआ है। इधर क्रेशर है, वहाँ पर जो बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह आता है, माल डंपिंग करता है वहाँ पर। पूरा नीट एंड क्लीन। ये सब जो है 50 टन का टायर है, जो स्क्रैप माल है उसको साइड में सजा के इसे पार्किंग के लिए कुछ बनाया जाता है। बड़ा सा क्रेशर सेल माइंस का, लाखों करोड़ों में जो पेमेंट पा रहे हैं वर्कर लोग, इसी के वजह से पा रहे हैं। डंपिंग हाउस में जो माल गाड़ी जितने भी माल आता है यहाँ पर डंप किया जाता है। गाइस ये है जो क्रेशर, जो क्रेशर मीन्स यहाँ पर नीचे में जो है प्रोसेस माल गिरने का। माल गिरने के बाद एक चेन के थ्रू से माल को लिया जाता है, उसके बाद वो पंपिंग करके माल को तोड़ता है। ये प्रोसेस मैं आप लोग को दिखाता हूँ आगे में कैसे क्या है। ये जो क्रेशर है गाइस, ये देखिए माल को यहाँ पर पीसा जा रहा है नीचे में, और नीचे से पार हो रहा है बेल्ट के थ्रू। गाइस जो मैं बोल रहा था वहाँ पर क्रेशिंग हो के जो माल जा रहा था ऐसे जाता था, बेल्ट में ऐसे जा रहा है माल। ऊपर से जो आप लोग टोटल प्रोसेस हम लोग दिखाए कि माल डंपिंग एरिया से हो गए जो क्रेशर कैसे आता है, टोटल प्रोसेस लास्ट इसी तरह से जाता है। हम लोग पूरी तरह से गुफा में जा रहे से लग रहा है यार। गाइस आज हमारा पैर बहुत ज्यादा जोरदार दुखने वाला है।
गाइस हम लोग सुबह से चल रहे हैं, थक गए हैं पूरा, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, पैर दुख रहा है, चलने के लिए थक जा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं। अभी हम रूट में जा रहे हैं गाइस, आप लोग कैमरा घुमा के दिखाते हैं नीचे कितना ज्यादा डाउन है। पैर में जो है कंपन शुरू हो गया है, थरथरा रहे हैं हम लोग। गाइस हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं, बहुत लंबा सफर था, बहुत बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, देखिए खत्म ही नहीं हो रहा है। बूंदिया पैकेट खाते हुए जाएंगे घर, सबके हाथ में बूंदिया। अब बबर जो है बहुत ज्यादा भुका रहा है। गाइस आज बहुत ज्यादा घूम लिए, पूजा भी देख लिए, बिस्तर बाबा कैसे पूजा किया गया है, बहुत प्रसाद भी लाया, बहुत ज्यादा खा भी लिए, और अभी जो पैदल वहां से चल के उतरे करसर से। गाइस आज के वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत हो गया, बहुत ज्यादा थकान लग रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों से, शेयर करें और हमारे वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।